हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नुछिंद गेमिंग चैनल में। तो मैं लेकर आया हूँ PUBG मोबाइल का न्यू अनदर गेम प्ले वीडियो, और यह गेम प्ले वीडियो सोलो वर्सेस स्क्वाड है। तो यह गेम प्ले वीडियो में हम आ जाते हैं स्टेडियम, और स्टेडियम में एक स्क्वाड भी आ जाता है। तो जो पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे उनको पहले शॉर्ट देता हूँ, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो हमें पूरा यहाँ खोजने के बाद एक शॉटगन मिल जाता है और पिस्टन। तो यह बंदे को देखिए कैसे मारते हैं। तो यह बंदे को कर देते हैं नॉक, इसका एक मेंबर का कर देते हैं नॉक। अगर आप भी ऐसे वीडियो में शॉर्ट आउट लेना चाहते हैं तो बस कुछ भी नहीं करना है, वीडियो के नीचे जाकर कमेंट्स कर देना है। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक नहीं करें तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए इस स्क्वाड को कैसे इस स्क्वाड से फाट लेते हैं और इस स्क्वाड को कैसे हैंडल कर लेते हैं। तो ऑलरेडी इस स्क्वाड का दो बंदे को मारते हैं चप्पल से और एक बंदे को मारते हैं जूता से। जिस बंदे को हम जूता से मारते हैं उस बंदे वो बंदे बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है, अपने आप दम तोड़ देता है और बच जाते हैं इनका एक और। तो इधर एक बोट चचा दिख जाते हैं, तो इस चचा को फिनिश करते हैं। और इसका पता नहीं इस बंदे का एक स्क्वाड कहाँ था, यानी एक बंदे कहाँ थे, और पता नहीं इसका एक बंदे क्यों, इसका दो बंदे नोक हैं तभी भी इनको बोट को मारने का बोट को मारने में बहुत मजे आ रहे थे। तो इन स्क्वाड को हम कर देते हैं फिनिश। तो इस स्क्वाड को फिनिश करने के लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ भी नहीं था लूट, तो हम कुछ लूट लेते हैं और उसके बाद देखिए बंदे को कैसे फिनिश करते हैं। तो जैसे ही हम लूट कर कुछ लूट लेते हैं, जैसे ही एक मुझे बोट चचा दिख जाते हैं इधर, तो इस बोट चचा को हम मारते हैं। तो इस बोट चचा को हम मारने लगते हैं जैसे ही एक तेज बंदा है वो घर की ओर जल्दी से कैंप करने के लिए आ रहा था। तो इस बंदे को मारते हैं मुंह पर चप्पल, जैसे ही इस बंदे को देखिए चप्पल मारते हैं तो ये बंदा सीधा मेरे बोट के सामने अपना माथा टेक देता है। तो माथा टेकता है तभी भी बंदे को हम नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये बंदे तेज ज़्यादा बन रहे थे। तो इस बंदे को फिनिश करते हैं, और एक सामने जो बोट चचा को मारे थे उनको भी फिनिश करते हैं। तो हमें पूरा स्टेडियम में मिल जाता है 7 किल। तो हम पूरा स्टेडियम को खाली कर चुके हैं, तो हम चलते हैं यहाँ से, कुछ लूटते हैं, लूट कर यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। अभी एराए 32 बंदे और बच रहे थे। तो देखिए गेम प्ले में बहुत मज़ा आएगा, तो देखते रहे लास्ट तक, बने रहिएगा वीडियो में। ओके, तो हम स्टेडियम में से पूरा बंदे को फिनिश करते हैं, और फिनिश करके यहाँ से गाड़ी लेते हैं और गाड़ी से बंदे की तलाश में चलते हैं। तो हम जैसे ही थर्ड हिल की ओर ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, यानी पुल क्रॉस कर रहे थे, तो हमारे गाड़ी पर
कुछ डैमेज जाता है यानी फायर करता है, तो हम यहाँ पर गाड़ी को रोक देते हैं। तो रोकने के बाद हम जैसे ही इस घर में आते हैं, जैसे ही हम एक मुझे फुटप्रिंट्स आ जाता है, तो देखिए ये फुटप्रिंट था स्नाइपिंग हाउस में से। तो इस बंदे के मुंह पर सीधा चप्पल मारता हूँ और देखिए चप्पल से मारने के बाद इस बंदे को चेहरा कैसे काला हो जाता है। तो हम इसे इस बंदे को मारने के बाद जैसे ही हम देखते हैं कि ठड़ी में कुछ प्रो प्लेयर बोट पर अत्याचार कर रहे थे, तो इस अत्याचार जो अत्याचार कर रहे थे उसे हम दो तीन एमओ बरसाते हैं। तो दो तीन एमओ ही टच करता है उस जो वोट पर अत्याचार कर रहे थे। तो इस जो वोट पर अत्याचार कर रहे थे उस बंदे को देखिए हम कैसे मारेंगे इस बंदे को। तो यहाँ से हम कुछ वोट से लूटते हैं और लूट तो वोट में तो कुछ रहता नहीं है। तो जैसे ही हम स्नाइपिंग हाउस से जंप लेते हैं, जैसे ही मैं फिर से मुझ पर कुछ एमओ बरसता है, तो फिर उस बंदे को हम देते हैं कुछ हल्का डैमेज, एक दो एमओ टच करते हैं। वो बंदे घर से निकल ही नहीं रहे थे, पूरे के पूरे कैंप ही कर लिए थे उस घर में। तो देखिए तो इस बंदे को मैं सोचता कि चलते हैं गाड़ी से इस बंदे पर रस बोला जाए। तो जैसे ही हम इस साइड जाने की कोशिश करते हैं, जैसे ही इस साइड कुछ बंदे एक दूसरे से फाइट ले लेते हैं। तो देखिए इस बंदे को कैसे हम फिनिश करते हैं। तो एक दूसरे देख रहे थे, पूरा पूरा सांप बन गया था, देखिए कि एकदम कैसे एकदम फुफकार रहा था। तो हम चलते हैं फिर से स्नाइपिंग हाउस में और स्नाइपिंग हाउस में देखिए इस बंदे दोनों को कैसे फिनिश करते हैं। तो दोनों को फिनिश कर देते हैं और दोनों को फिनिश करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी ब्लू जोनो भी आ गया था, तो मुझे तो यहाँ से चलना भी था। तो यहाँ से हम चलते हैं और उस बंदे की तलाश उस बंदे के पास गए कि कैरेट लूटते हैं, लेकिन वो थर्ड हिल वाला बंदे जो मुर्गी वाला ड्रेस था वो बंदे मैं मारा और ये कैरेट से लूटने आया, तो एम भी मुफ्त में मारा गया। तो आ गया ब्लू जोन भी था और मेरे पास हेल्थ भी बहुत ज़्यादा खा रहा था। तो हम चलते हैं ओल्ड बासिंग, तो सेफ जोन भी बन गया था ओल्ड बासिंग में, तो हम चलते हैं ओल्ड बासिंग। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए इस स्कॉट को हम कैसे चप्पल एंड जूते दोनों मिलाकर मारते हैं। तो इस स्कॉट को देखिए हम कैसे फिनिश करते हैं। तो हम जैसे ही छत पे आते हैं, जैसे ही हम मुझे एक दिख जाता है बोर्ड चचा जो आगे की ओर जा रहे थे, लेकिन चचा को हम आगे नहीं जाने दिए क्योंकि मैं बोल दिया चचा को कि आगे मत जाइए, आगे बंदे हैं। तो बंदे को ये चचा को फिनिश करते हैं और फिनिश करके कुछ लूट लेते हैं और उस बंदे को बेट करते हैं। तो आखिर बंदे आ ही जाते हैं जोन की ओर, क्योंकि जोन भी उनके पास नहीं था, मेरे पास जोन बन गया था। तो देखिए ये पूरा स्क्वाड को कैसे फिनिश करते हैं।
ऑलरेडी इस स्कॉट को दो बंदे को हम फिनिश करते हैं तो बच जाता है एक बंदे। तो पता नहीं वो बंदा कहाँ था, तो उस बंदे को देखिए कैसे ढूंढ कर मारते हैं। तो हम करते हैं इस बंदे को फिनिश और हमें मिल जाता है विनर विनर चिकन डिनर 15 किल के साथ 900 डैमेज। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।